मुझे भी ज़रूरत है, एक आदमी की ज़रूरत है मुझे अपनी लाइफ में, जो मुझसे मुझसे केयर करे, मुझसे बात करे, नॉट फाइनेंशियली, मैं खुद खड़ी हो जाऊँगी। जब मैंने इतना बड़ा आदमी छोड़ दिया तो मुझे किसी से उम्मीद नहीं है इस चीज़ में। नहीं, मेरा ये कि जिससे मैं मोहब्बत हो गई ना, तो फिर मैं मोहब्बत करती हूँ, और दिल हट गया ना मेरा एक बार, तो मैं पीछे नहीं मुड़ती हूँ, अलग हो गए, और उसके बाद फिर मैं अपना नाम भी चेंज करूँगी। फिर जो भी चीज़ें हैं, बच्चों के साथ तो हम दोनों माँ बाप रहेंगे, फिर अपना काम तो शुरू कर ही लिया है, बहुत जल्दी हो जाएगी ये सारी चीज़ें खत्म। ऑफकोर्स इस टाइम तो देखो नवाज ही है बहुत बड़ा, जो सच्चाई तो है एक्टर, उससे बड़ा एक्टर तो अभी कोई नहीं है हिंदुस्तान में। सो मुझे अपना कुछ काम करना है, क्योंकि मैं नवाज से कुछ अभी उम्मीद नहीं करी हूँ कि वो मुझे क्या देंगे। जो मैंने उम्मीद किया है वो छोटी सी उम्मीद है मेरी, बाकी मैं किसी और शख्स को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने वाली हूँ। हाँ जी हाँ जी, फिलहाल तो मैंने एक होलिकाओ फिल्म प्रोड्यूस किया है, जो कि अमेजोन प्राइम पे रिलीज़ कर चुकी हूँ, और दूसरी फिल्म है तिजन बाई, पांडवानी सिंगर हैं, इन्होंने पद्मश्री पद्म विभूषण बड़े बड़े अवार्ड लिए हैं, जिनके राइट मैंने लिए हैं, जो फिल्म के इंडस्ट्री के ए लिस्टर डायरेक्टर के साथ मैं काम करने वाली हूँ। अभी नाम ओपन नहीं करूँगी, बिकॉज हम लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट हमारा होने वाला है। सेकेंड चीज़, मैं एक्टिंग में भी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑफकोर्स सर्वाइव करना है, अब ज़िंदगी मेरी बहुत लंबी है, मुझे आगे जीना है। सो मुझे अपना कुछ काम करना है, क्योंकि मैं नवाज से कुछ अभी उम्मीद नहीं कर रही हूँ कि वो मुझे क्या देंगे। जो मैंने उम्मीद किया है वो छोटी सी उम्मीद है मेरी, बाकी मैं किसी और शख्स को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने वाली हूँ कि मेरी लाइफ में कोई सेकेंड चीज़ें हैं, कि मैं किसी के भरोसे जीऊँ। सो वो मेरे थॉट है नहीं, मुझे जो करना है वो खुद करना है। तो उसके लिए मुझे सर्वाइव करना है, अपनी ज़िंदगी जीना है, बेहतर तरीके से जीना है। मेरी NGO है, जो मेरे अपने 40 बच्चे हैं उनकी उनके लिए मुझे काम करना है, और उसके अलावा बढ़ते जाना है। तो मुझे बहुत कुछ करना भी ज़िंदगी में, तो अभी ये शुरुआत तो हुई है मेरे साथ। जैसा कि ये इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले मैंने आपके बात की थी, जब मैं आपसे बहुत पहले मैंने आपको देखा था, मैंने आपको बताया वो शो में, एंड 2011 की बात कर रहे हो आप, तब की आलिया में, आज की आलिया में कितना बदलाव आ गया है, एंड वो तो आप बताएंगे, उस टाइम आपने देखा था मुझे और आज अभी देख रहे हो आप, तो आई थिंक वो बेटर बता हो सकते हो आप मुझे। हाँ, मेरा नेचर ऐसे ही है, मैं जल्दी खुलती नहीं हूँ लोगों के सामने, बट खुलती हूँ तो बहुत अच्छा खुलती हूँ। मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं, चुनिंदा लोग हैं, जिनके साथ मेरी हर तरफ से बात होती है, मस्ती मजाक जो भी लेवल पे होते हर तरफ से बात होती है, बट जिसके साथ मुझे लगता है यार मैं जिसको जानती नहीं हूँ, तो मेरा है वो थोड़ा रिजर्व रहती हूँ मैं उसके लिए। So, acting में, like, किस तरह के रोल, किस तरह के किरदार में देखेंगे हम आपको, कि इस तरह का किरदार आलिया जी करना चाहती हैं, कोई ड्रीम रोल है आपका या फिर किसी ड्रीम हीरो के साथ में काम करना है आपका? देखिए इतनी बड़ी एक्टर तो अभी बनी नहीं हूँ ना, मेरा ऐसा कुछ मैं आई विश कि ऐसा हो, बट रियलिटी की बात करूं तो अभी सच्चाई ये है कि मैं शुरुआत कर रही हूं, तो मेरी कोई चॉइस ऐसी नहीं है। इस वक्त मुझे ज़रूरत है काम करना है, अपने अपने आप को सर्वाइव करना है, एक अच्छी जगह पर जाना है, तो इस वक्त जो भी काम मिलेगा मेरे सर आँखों पर, और उस वक्त भी मुझे मिलेगा जब मैं बड़ी बनूंगी तो भी सर आँखों पर, अच्छा काम करना है, एटलीस्ट रह पाऊँगा, मतलब लोगों को बता पाऊँ कि यू नो एक ये भी मेरा एक साइड है जो शायद उन्होंने नहीं देखा है। फेवरेट हीरो कैसे, एक्टिंग में बोल रहे हो या स्टारडम में बोल रहे हो आप? एक्टिंग एंड स्टारडम बोथ, आप दोनों बता सकते हैं। एक्टिंग में जिसको जो आपको लगते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया नेचुरल एक्टिंग करते हैं। नेचुरल एक्टर ऑफ कोर्स इस टाइम तो देखो नवाज ही है बहुत बड़ा, जो सच्चाई तो है, इसमें तो नहीं बोल सकती झूठ में कोई भी चीज़ है एक्टर, उससे बड़ा एक्टर तो अभी कोई नहीं है हिंदुस्तान में। या सारी दुनिया जानती है आपका और उनका सेपरेशन के बारे में, तो ये प्रोसेस अभी और कितना कब तक ये हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी। तो कोर्ट से, मतलब कोर्ट का बस वेट कर रहे हैं, जैसे पेपरों में हम अलग हो गए और उसके बाद फिर मैं अपना नाम भी चेंज करूँगी। फिर जो भी चीज़ें हैं, बच्चों के साथ तो हम दोनों माँ बाप रहेंगे, फिर अपना काम तो शुरू कर ही लिया है, बहुत जल्दी हो जाएगी ये सारी चीज़ें खत्म। आलिया नाम भी आप चेंज करेंगे? नहीं, आलिया आनंद किशोर पांडे, आलिया रहेगा, ताउम्र रहेगा। अब हमारी इंडस्ट्री में और एक आलिया है, आलिया भट्ट जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे आलिया एंड आलिया? नहीं, शक्लें थोड़ी इतनी, शक्लें तो हैं सब, आलिया भट्ट
के नाम से आलिया जी को जानती, इतनी फेमस तो पता नहीं मैं होना नहीं होना, वो तो वक्त की बात है इंशाल्लाह, बट यू नेवर नो ना चीज़ें, इस चीज़ को तो मैं नहीं सोचती हूँ इतना ज़्यादा। क्योंकि वो ये सवाल इसलिए था क्योंकि कियारा का नाम भी आलिया था, तो मैंने अपना नाम कियारा किया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता। नवाज की फिल्म नहीं देखा, मैं देखूंगी जरूर जाके देखूंगी, क्योंकि वो मेरे जो डायरेक्टर, वो मेरी होलिकाओं के भी डायरेक्टर हैं, सो साई कबीर मेरा फ्रेंड भी है, सो उसकी फिल्म तो ज़रूर देखूंगी मैं। ट्रेलर देखा होगा साथ आपने? ट्रेलर देखा मैंने, हाँ जी, अच्छा ट्रेलर है। या आई डोंट नो, फिल्म तो मैं नहीं जानती। ऐसा मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जिनकी कुछ उनसे डिमांड रखती हैं आप, नवाज भी से आपकी तरफ से ऐसे कुछ डिमांड है, कोर्ट का जो भी है, वो जो भी कोर्ट जो भी कहे, हाँ है, ऑफ कोर्स है। मैंने बोला उनको मुझे एक घर चाहिए बस, जो मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे कमिटमेंट है लोगों को, कुछ पेमेंट मुझे क्लियर करना, वो घर मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे अपना घर का सेलिंग करके मुझे कुछ पेमेंट है जो क्लियर करना है, जो पेंडिंग है, जो लोगों की जिम्मेदारी है, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करके होलिकाओं को कम्प्लीट करवाया है, सो वो मेरा अपना है, वो सब करना है मुझे लाइफ में, बाकी मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा है, और ना मैं कुछ मांगूंगी, ना मुझे कुछ चाहिए है। आई एम हैप्पी, मैं खुद अपनी जगह बना लूँगी। अच्छे फादर हैं वो, बहुत अच्छी लाइफ दे रहे हैं बच्चों को, इसमें कोई शक नहीं है, बेस्ट लाइफ दे रहे हैं, जितना एक बेस्ट फादर दे सकते हैं अपनी लाइफ में, उससे बेस्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए फ़िलहाल, तो इसमें कोई शक नहीं है। बट कुछ वक्त था ऐसा जो मेरी प्रॉब्लम आई थी, जिस वक्त 3 महीने में जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम आई, वो अलग एक सिचुएशन थी, उसके अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छे फादर हैं। या जब आपने उनसे ये डिमांड की कि मुझे एक घर चाहिए मेरे लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ें, तो उनका क्या रिप्लाई आया? उन्होंने मुझे बोला ये बात कि हाँ ठीक है, वो घर तो आप अपने नाम पे ही ले लो, क्योंकि आपके वो मेरे नाम पे ही है, वो घर तो मुझे देने के लिए रेडी है, बट आप जब तक पन्नों में नहीं आ जाएगा तो क्या बोलूँ मैं, तो रियलिटी में जीती हूँ मैं, फैंटेसी सॉरी। नहीं आप बोल सकते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो उनका मतलब ऐसे सेपरेशन होने के बाद फिर कुछ सालों के बाद वो एक हो जाते हैं, मतलब जैसे कि आपने कहा कागज पर एक नहीं होते, लेकिन वो छुप छुप कर मिलते हैं, लाइक इंडिया में ना मिले, इंडिया के बाहर मिले। तो यही मेरा आखिरी सवाल था कि आप अभी ऑफिशियल आपका और उनका जैसे कि डिवोर्स नहीं हुआ, तो ऐसी कोई ऐसी उम्मीदें हैं कि आप लोग फिर से मिल सकते हैं? एंड ये सवाल उनसे भी था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, आप हैं तो आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे भी हैं, वो बच्चों को बहुत प्यार देते हैं, तो आई थिंक आपको भी, जैसे क्योंकि हस्बैंड वाइफ में ऐसा होता है, फिर वो नहीं, मेरा एक ही, जिससे मैं मोहब्बत हो गई ना, तो फिर मैं मोहब्बत करती हूँ, और दिल हट गया ना मेरा एक बार, तो मैं पीछे नहीं मुड़ती हूँ। या सो मैंने एक चीज़ बोला था कि 30 साल हो गए थे मैंने किसी से राखी नहीं बंधाया, सो मेरे कुछ भाई लोग की वजह से, कुछ वो भाई नहीं बोल सकते, उनके दिल में एक अलग सी जगह थी मेरे लिए, वो बोलते हैं ना कुछ लोग की मति भ्रष्ट हो जाती है, सो मुझे वो भाई वाली फीलिंग्स कभी नहीं लगी किसी भाई में, सो एक भाई थे मेरी, उनकी डेथ हो गई है, और उसके अलावा मैंने कभी किसी को, तो मेरे भाई हैं आज भी, सब जिंदा भी हैं कुछ भाई, सो उनमें आज तक मैंने किसी को राखी नहीं बांधा, जिससे मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाता ना, तो मैं कभी पलटती नहीं हूँ, सो ख़त्म मतलब ख़त्म मेरी लाइफ में, और अव्वल तो ख़त्म होता ही नहीं है, रिश्ते मेरे बहुत लंबे वक्त तक रहते हैं, बट एक बार ख़त्म हो गया फिर मैं मुड़ती नहीं हूँ। मैं वह हूँ, मैं प्रैक्टिकल भी हूँ, इमोशनल भी हूँ, मतलब एक बार सोच लिया तो ख़त्म। अच्छा मेरे दिमाग में नहीं है तो उससे क्या होगा, वो आ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं अभी तो फिलहाल एक ज़रूरत है लाइफ में, एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, वो है ऑफ कोर्स है, यस 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 ऑफ कोर्स मुझे चाहिए, प्यार चाहिए, और किस लड़की को प्यार नहीं चाहिए, हर किसी को प्यार चाहिए, और मैं यदि ये बात पब्लिकली बोल रही हूँ तो है ज़रूरत है, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, मुझे भी ज़रूरत है, एक आदमी की ज़रूरत है मुझे अपनी लाइफ में, जो मुझसे केयर करे, मुझसे बात करे, नॉट फाइनेंशियली, मैं खुद खड़ी हो जाऊँगी, जब मैंने इतना बड़ा आदमी छोड़ दिया तो मुझे किसी से उम्मीद नहीं है इस चीज़ में, हाँ प्यार की तो बहुत ज़रूरत है मुझे, कि कोई मुझे बोले आई मिस यू बेबी। फिलहाल तो एक ही है जो अभी आपको मैंने बताया, इटली से हैं, वो इंजीनियर हैं, आईटी के बंदे हैं, सो खुश हूँ उनके साथ, आगे का आगे देखेंगे। चलिए आई
विश कि आपके बहुत सारे फिल्में आए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं, एंड आपकी लाइफ जिसके साथ भी आप सोच रहे हैं उनके साथ है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।